हाय दोस्तों, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो 2022 का कैलेंडर जारी किया गया है उसमें यह वैकेंसी है, ग्रुप वन और सब ग्रुप थ्री की वैकेंसी भी है जो आपके अक्टूबर 2022 में आने वाली है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन का पेपर होता है और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। और इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 100 नंबर का होता है। और फर्स्ट पेपर में मैथ्स, रीजनिंग और जीके और जीएस और आपका हिंदी वगैरह सब पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, आप पूरा प्रक्रिया देख लेते हैं। ये समूह वन जो एग्ज़ाम है, ये समूह वन में उप समूह थ्री में, इसमें आपका वैकेंसी है हाउस कीपर, साइकेट्रिक सोशल वर्कर, कार्यक्रम बाल संरक्षण, जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन एवं रोजगार एवं अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा जो आपके अक्टूबर 2022 में होगी। और इसमें दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख, मतलब ए और बी, दो पार्ट में होगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन वाले लड़के जो तृतीय श्रेणी की यह वैकेंसी है 10+2+3 वाले कैंडिडेट इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें आपके कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी होता है इस पेपर में। और यह प्रश्न पत्र दो प्रश्न पत्र होते हैं एक दिन में आपके। पहला प्रश्न पत्र है आपका जो 100 मार्क्स का होता है, कितना 100 मार्क्स, और एक क्वेश्चन का एक नंबर दिया जाता है आपको और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें भी 100 मार्क्स का आपका पेपर है और एक क्वेश्चन का आपको एक नंबर दिया जाता है, एक क्वेश्चन का एक नंबर, पूरा पूर्णांक आपको 200 नंबर का होता है, पूरा पूर्णांक 200 मार्क्स का है। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। अब इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ठीक है। इसमें क्या फर्स्ट पोर्शन से आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अभिरुचि इस पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपके सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी फिर आपके थर्ड पोर्शन है। देखो, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी से पूछा जाएगा आपका और सामान्य गणित से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, है ना, सामान्य गणित। अब पूरा ही आपका पूरा क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट पेपर आपका जो होगा और वह 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पेपर सामान्य विज्ञान एवं सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, मतलब 25-25 नंबर के सब क्वेश्चन से पूछे जाएंगे क्वेश्चन आपके, है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पेपर का, ख नंबर का, उसमें भी आपका लगभग ऐसा ही समान रहेगा। अब इसमें आपका सामान्य ज्ञान, एवं अभिरुचि, अभिरुचि दूसरा क्वेश्चन है आपका,
जिसमें सामान्य कंप्यूटर से पूछे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। आपने डीसी वगैरह कर रखा हो, पीजीटी सीपीजीटी तैयारी कर रखी, तो नॉर्मली आप क्वेश्चन बना सकते हो। और तार्किक, सामान्य तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य प्रबंधन, यहाँ पर सामान्य प्रबंधन से भी क्वेश्चन बहुत सामान्य सामान्य प्रबंधन, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट में बोला जाता है, इससे पूरा 100 नंबर का मार्क्स का पेपर होगा पूरा, ये आपका भी 100 और 25-25 क्वेश्चन आपके पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10+2+3 ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स को भर सकते हैं, ये तृतीय श्रेणी की जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। इसमें आप अभी से अभी तैयार करना, पढ़ना स्टार्ट हो जाओ और लगभग 5-6 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है इसमें। और आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके, इसमें MPSI की, MP पटवारी की भी तैयारी होती रहेगी, और वर्ग एक का, वर्ग दो का, वर्ग चार की तैयारी भी हो रही है आपकी, और बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली जो उसमें आपका हिंदी और कंप्यूटर वगैरह तैयारी होती रहेगी। आप साथ ही साथ तैयारी करते रहिएगा, ये पूरा मैंने बता चुका हूँ और एक बार वो बता देता हूँ, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें दो पेपर होंगे आपके, क और ख, एक ही दिन में आपका पेपर होगा। पहला पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसमें सामान्य विज्ञान अभिरुचि, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि से दूसरा पेपर जो होगा, उसमें सामान्य ज्ञान अभिरुचि थोड़ा टफ बनेगा, ये पेपर ये थोड़ा सिंपल रहेगा, ये टफ बनेगा, और इसी से आपका मेरिट जाएगा। सामान्य कंप्यूटर ज्ञान तार्किक योग्यता से क्वेश्चन बनेगा, और सामान्य प्रबंध से, मैनेजमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैनेजमेंट से ज़्यादातर टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने देखे नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी इसमें। ये तो सबसे कर लेंगे, ये पोर्शन, ये क वाला पोर्शन आराम से सब कर लेंगे, ख में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे ये, क्योंकि उनको कैंडिडेट को काटना रहेगा, जैसे जैसे स्टूडेंट को कम करना रहेगा उनका स्कोर, पेपर टफ बनेगा इसमें भी। और आपको आपको पता ही होगा कि अभी MP कॉन्स्टेबल को और MP टेट के वर्ग तीन के पेपर आसमान छू गए हैं, ठीक है, तो लेवल बढ़ चुका है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और आई बटन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत प्रभाव से आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।